छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी सभी महिलाओं ने अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। नारेबाजी कर महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रही। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सभी पीआरपी, एफएलसीआरपी, आरबीके, सक्रिय महिला कृषि मित्र, पशु सखी एवं बैंक मित्र अपनी चार सूत्री मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। नारेबाजी कर प्रदेश सरकार से मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मांगों पर गुहार लगाए रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की महिलाओं ने बताया कि हम सभी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा जनपद स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर काम किया जाता है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह गठन, समूह आजीविका गतिविधि, जैविक कृषि, गठान चारागाह, बाड़ी विकास, मनरेगा अभिसरण, बीमा के साथ साथ शासन द्वारा समय समय पर कराए जा रहे सर्वे एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन भी हमसे ही कराया जाता है। बावजूद इसके बदले मानदेय बहुत कम है, जिसके चलते जीवन यापन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में बिहार से जुड़ी महिलाओं ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग राष्ट्रीय मिशन के तहत बिहान समूह में काम करते हैं। सभी बहनें 1000 से ज़्यादा हम लोगों की संख्या है। जमीन स्तर से लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों को काम कर रहे हैं उसके अवैज में हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। बहुत कम पैसे में हम लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन काम बहुत है। छोटी छोटी से लेकर के बड़ी संख्या सर्वे करना और तुरंत तुरंत रिपोर्ट देना गांव-गांव में सभी चीज़ों का, ये हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चार सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना स्थल में, ताकि हम लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके आने जाने का भी खर्च दिया जाए। ये सब मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग NRLM से जुड़े हुए हैं। हम लोग चार सूत्री मांगों के लेकर यहाँ पर जनपद के सामने में धरना में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों से जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से हम लोगों की मानदेय बिल्कुल धरना के बराबर है। क्योंकि मैं आरबीके हूँ, मेरा चार गांव देखने का रहता है, वहाँ पर हम लोगों को जाना होता है। और तो हम लोगों को पेट्रोलिंग का भी नहीं दिया जाता है। 2200 रुपये मानदेय है, उतने में ही हमको काम करना पड़ रहा है। और इन हम लोग का ये भी नियमितीकरण के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तो काम कर रहे हैं, नियमित नहीं है, तो पता नहीं कब हम लोग का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आगे हम लोग का कुछ नहीं, भविष्य नहीं दिख रहा है। और शुरू से हम लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। पूरा दिन हम इसमें लगा ही देते हैं, घर परिवार को छोड़कर चलो करके, लेकिन हम लोग को हमारे मेहनत का जितना मिलना चाहिए, हम राज्य सरकार से इतने दिनों से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए करके, लेकिन कहीं पर कुछ सुनाई नहीं हो रही है। तो हम लोग अभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।